नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं बुलेटिन से जुड़ी खास खबरों की ओर। करीला धाम में कांग्रेस का जिला कार्यकर्ता मिलन समारोह, जिले पर की कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे सम्मिलित। कार्यकर्ता मिलन समारोह के बहाने कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह चंदेरी, विधायक गोपाल सिंह डगी राजा होंगे सम्मिलित। पूर्व मंत्री कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भेंट कर करेंगे चर्चा। अजयपाल यादव बोले, हजारों कार्यकर्ता लेंगे करीला में कांग्रेस की सदस्यता। अजयपाल सिंह यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रघुवीर सिंह रुसल्ला के पुत्र है। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हारने वाले केपी यादव के छोटे भाई हैं। आगामी विधानसभा 2023 में कांग्रेस अजयपाल सिंह यादव को उतार सकती है मैदान में। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मुंगावली जिला अशोकनगर से इकबाल समीदार की रिपोर्ट। कल जो करीला में प्रोग्राम है जिला कांग्रेस का, उसमें कौन कौन अतिथि आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, तो क्या क्या होगा? कल जो करीला में हमने एक हमारे पूरे कांग्रेस परिवार का, सारे कार्यकर्तागण व हमारे वरिष्ठ कांग्रेसियों का एक मिलन समारोह रखा है, जो कि हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री जयवर्धन सिंह जी, रावगढ़ विधायक जी, और हमारे चंदेरी विधायक श्री गोपाल सिंह जी चौहान जी के सानिध्य में रखा है। और उस दिन हमारा एक एक कार्यकर्ता से उनका व्यक्तिगत मिलन होगा और कांग्रेस को हम कैसे शक्ति देंगे, संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, इसी पर हमारी चर्चा होनी है। उसके साथ साथ करीबन हमारे 1000 से 1500 युवा साथी श्री जयवर्धन सिंह जी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण करेंगे। अभी तक जो आप सक्रिय नहीं थे कांग्रेस में, कांग्रेस बहुत पीछे थी, विपक्ष की भूमिका कई दिनों से नहीं निभा पा रही थी कांग्रेस, अब आगे कुछ देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि सक्रिय नहीं थे, हाँ ये ज़रूर है कि कांग्रेस का शायद झंडा लेके नहीं, पर हम 2 साल से हमारे किसान भाइयों की आवाज़ उठाते रहे। किसान मोर्चा का मैं सदस्य रहा और हमने पूरे ज़िले में किसानों की आवाज़ को बुलंद किया और सरकार को एहसास भी दिलाया कि किसान की नहीं सुनेंगे तो उनका क्या होगा। और आज अब हम पूर्ण तरीके से कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि इस सरकार को मिटाने के लिए हमें कोई स्तंभ की बहुत आवश्यकता थी और कांग्रेस के साथ मिलके इनकी गलत नीतियों का विरोध कर हम इस सरकार को उखाड़ देंगे। कल कितने लोग इकट्ठे होंगे कार्यकर्ता? कार्यकर्ता तो हमारा संपूर्ण जिले का एक एक कार्यकर्ता उस दिन पधार रहा है, और साथ ही साथ जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि लगभग 1500 से 2000 युवा साथी कल आएंगे, और ये सिर्फ हमारी अभी शुरुआत है। विगत दिनों में अगले माह संभवतः हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री कमलनाथ जी का भी हम आम सभा यहाँ लेकर आ रहे हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में भाजपा छोड़ कांग्रेस में हमारे सदस्यगण सदस्यता लेंगे।